साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NIS ऑनलाइन हब में, जहां दोस्तों मिलते हैं NIS से जुड़ी हर एक राज्य की ताज़ा अपडेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं खास करके NC रिलेटेड समस्याओं को लेकर। एक बहुत ही बड़ी का अपडेट आ रही है, जो कि इस अपडेट में आपको देखने को मिलेगा कि NC का सोल्यूशन जो है किया जा रहा है, यानी उस पर जो है काम हो रहा है। तो दोस्तों, आप जो है दो टीचर से अभी सुनेंगे लाइव अपडेट कि कहाँ कहाँ का रीजनल सेंटर का जो है NC सुधार हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर रोज़ एक नई नई वीडियो आपको देखने को मिलती है इस चैनल पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बात करने वाले हम लोग इलाहाबाद रीजनल सेंटर का और पटना रीजनल सेंटर का जो है NC को लेकर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ रही है। आप जो है शिक्षकों द्वारा और शिक्षिकाओं द्वारा आप सुनेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने जो है अभी तक रिजल्ट को चेक नहीं किया है, यानी NC जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है रिजल्ट को नहीं चेक किया है, तो एक बार आप रिजल्ट को ज़रूरी चेक कर लीजिए, ताकि दोस्तों जो है आपको कोई परेशानी ना हो। रिजल्ट को चेक करने के लिए जो है लिंक दिया हुआ है नीचे में, वो आप जो है यहाँ पर इनरोल नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालने से आपका जो है रिजल्ट शो हो जाएगा। और दोस्तों, मैं दिखाऊंगा सारे प्रूफ, पहले आप दोस्तों इस वीडियो को जो है सुन लीजिए। हाँ सर, चैनल पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। हाँ, बोल रहे कि सर आपका NC रिलेटेड समस्या थे, क्या सुधार के कब आया रिजल्ट सर, थोड़ा सा टीचर को सर, जानकारी। मैं जैसा कि उसमें था कि जनरल कैटेगरी वालों को 50% होना चाहिए, जी जी बट मेरा 48% ही था जी और मैंने NIS स्कूल के लिए में DLED के लिए अप्लाई कर दिया था। और अब चूंकि कंडीशन थी कि उसे 50 करना था, जी तो मैंने 50% के लिए NIS से ही मैंने परीक्षा दिया हाँ, था, मतलब इम्प्रूवमेंट दी आप। इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने दिया था। और जी उसके बाद मेरा अप्रैल में मेरा रिजल्ट घोषित हुआ था NIS से जी इंटर इम्प्रूवमेंट का। जी और उसके बाद नेट से मैंने मार्कशीट को निकाला जी और तत्काल मैं तुरंत ही, मैं अपने परिवार में दो लोगों की बात कर रहा हूँ, जी और दोनों लोगों के मैंने नियमानुसार जो भी स्कैन करके जितने KB की फाइल अपलोड करनी थी, मैंने इंटर की पुरानी मार्कशीट जी और इम्प्रूवमेंट की न्यू नेट की मार्कशीट जी को मैंने स्कैन करके और NIS की वेबसाइट पर मैंने अपलोड कर दिया था। ये अप्रैल की थी। अच्छा मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि अगला रिजल्ट जब आएगा DLED का तो हाँ शायद NC हट के आएगा, बट 22 मई को रिजल्ट आया था, जी तो फाइनल उसमें मेरा NC ही लगा हुआ आया। जी सर तो उसके बाद मैं बड़ा परेशान हुआ कि भाई मैंने तो समय से सब कुछ कर रखा, फिर भी मेरा NC क्यों आया। तो जी लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। करते कराते हुए जी मैंने फिर अपने परिवार में से एक कैंडिडेट का मैंने एक लेटर भी बना करके अच्छा आपका इलाहाबाद रिजनल सेंटर के रीजनल सेंटर को मैंने अच्छा आपका रजिस्ट्री किया। जी तो और फिर एक कैंडिडेट का मैं फिर कर नहीं पाया, संयोग से समय नहीं मिला या मेरा कुछ अच्छा लगा ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जी लेकिन जी अभी परसों 2 तारीख को, यानी 2 मार्च को जी मैंने शाम को चेक किया तो मेरा सेम रिजल्ट, सेम प्रोसेस से, जैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना हाँ रेफरेंस नंबर डाल के हम लोग रिजल्ट देखते थे ऑनलाइन, जी मैंने फिर जब देखा तो NC की जगह मेरा पास शो हुआ। तो मैंने अगर कहीं दूसरे कैंडिडेट को भी जब चेक किया तो उनका जी भी पास आया है, अच्छा तो मैं देख के तो उसी मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई चलिए कम से तो कम सर हो तो आप गया। मतलब सर आपको विश्वास नहीं हो रहा था शायद मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था सर कि जी क्या, मुझे लगा मेरे आँख पे कहीं ऐसा तो हाँ नहीं धोखा हो रहा है। मैं कई बार देखा तो मैंने जी प्रिंट आउट भी निकाला जी और मैं तत्काल डाइट के ऑफिस गोरखपुरी भी गया, जी तो वहां भी उनको कोई विशेष कोई ऐसी जानकारी नहीं थी। जी उन्होंने कहा कि सर अगर हो गया है तो आप अपनी एक एक कॉपी मुझे दे दें, जी NC की भी दे दें और पास की भी दे दें। उन्होंने भी फॉर्मेलिटी की है, कहें आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कल जी रात को फिर मैंने देखा कि ऐसा नहीं कि कहीं कुछ हट गया हो, क्योंकि सारे कैंडिडेट कह रहे हैं नहीं आया नहीं आया, हाँ तो मैंने फिर दोबारा जब चेक किया तो मेरा पास ही शो कर रहा है। अच्छा तो ये इतनी चीजें थी, तो उसमें इम्प्रूवमेंट 50% से ऊपर होना चाहिए। यदि इम्प्रूवमेंट किए हैं तो 50% होना भी चाहिए। उन जी जो जिन विषयों से आपने इम्प्रूवमेंट किया है जी उन विषय को आप इंटर से हटा करके उसकी जगह इम्प्रूवमेंट के मार्क्स को रखें और जी तब देखें कि क्या इंटरमीडिएट में 50% हो रहा है या
नहीं हो रहा है जी। ना, तो इतनी चीजें हुई। अच्छा सर, आप मतलब गोरखपुर से है ना सर? जी हाँ, मैं गोरखपुर से। अच्छा ठीक है सर, चैनल पर इतना जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर। जी जी बिल्कुल। सर और भी कुछ कहना चाहते हैं यूपी के शिक्षकों को? सर मैं यही कहना चाहूंगा सर कि हो सकता है कि वो जिस जिस प्रकार से लोगों ने अपना अपलोड किया है जी, उस प्रकार से वो लोग उठा रहे होंगे, मैं इतना ही कह सकता हूँ। और अपलोड करने से पहले फिर से एक बार मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने अपलोड किया और नहीं आया है जी, तो वो चेक कर ले कि वास्तव में उनका 50% हुआ भी है या नहीं हुआ इंटरमीडिएट में रख करके, है ना। और सक्सेसफुली अगर उन्होंने अपलोड किया है तो थोड़ा वेट कर ले, मुझे लगता है कि NIS अपना काम कर रही है। हाँ जी जी, थोड़ा धीरे ही कर रही है लेकिन कर रही है, और NC वालों के प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएंगे यदि उनके 50% हो गए हैं इंटर में तो। अच्छा ठीक है सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद जानकारी देने के लिए सर। जी जी बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों आपने सुन लिया, ये सर जो थे इलाहाबाद रीजनल सेंटर गोरखपुर से थे, और इसने जो है हमें जो है कॉल करके बताया कि सर हम मेरा जो है NC सुधर गया है, यानी 2 दिन पहले सुधरा है। तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। आप सुनते हैं दोस्तों यहाँ पर पटना रीजनल सेंटर के शिक्षकों द्वारा जो है अपडेट्स आ रही है NC को लेकर, उसको सुन। हाँ मैम, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। हाँ हेलो सर, मैं आपसे बात की थी NC के बारे में कि बहुत ज्यादा मुझे NC का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं अक्टूबर में ही मतलब NIS के वेबसाइट पे डाल दी थी, फिर भी मेरा NC नहीं हटा हुआ था। मैं बार बार देखती थी फिर भी नहीं हटा रहता था। अच्छा। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले मुझे पता चला कि किसी का NC हटा है, तो मैं भी अपना अभी चेक की हूँ तो मेरा भी हट गया है NC। अच्छा मैम, अभी अभी आपका मतलब आप अभी अभी चेक किए क्या? हाँ मैं भी किसी से सुनी कि NC हट रहा है तो मैं अपना चेक की, मुझे अच्छा। बहुत खुशी मिली कि चलो NC का प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया। अच्छा, मैं नियम में भाग ले सकती हूँ। अच्छा आप पटना रीजनल सेंटर के है ना? हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है मैम, बहुत बहुत जो है धन्यवाद जो जानकारी देने के लिए। और भी टीचर लोग के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैं और टीचर को यही कहना चाहूंगी कि NC के लिए परेशान ना हो, आप भी अपने अपने रिजल्ट चेक करें, शायद आप लोग का भी हट गया होगा। अच्छा जी मैम, बहुत बहुत जो है जानकारी देने के लिए धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। सुनते हैं, जैसा कि दोस्तों आपने सुन लिया, आप दोस्तों आपको दिखाते हैं कि NC से पहले रिजल्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही थी और NC के बाद वाले रिजल्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये मार्कशीट है जो NC पहले आ रही थी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर NC लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये NC दोस्तों 1-2 दिन पहले जो है हटा है, इसका भी अपडेट यहाँ पर देने वाले। ये दोस्तों गोरखपुर से हैं और इसका जो है NC 1-2 दिन पहले हटा है, और एक टीचर ने जस्ट अभी चेक किया, उसका भी जो है NC अभी अभी हटा। दोस्तों इसका मतलब हो रहा है कि NC पर जो है काम हो रही है। तो दोस्तों ताज़ा अपडेट पाने के लिए आप चैनल पर बने रहे, जो भी अपडेट आएगी NC को लेकर आपको सारी सॉल्यूशन की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ये जो है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर देख सकते हैं पास लिखा हुआ रहा है, और यहाँ पर नंबर की दोस्तों बात करें देख सकते हैं लास्ट में 195 है। यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको जो है 195 ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं कि ये एडिटिंग है या आप प्रॉब्लम आ रही है। तो अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर पटना रीजनल सेंटर से जो अपडेट आ रही है उसको अभी यहाँ पर देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको नए नए वीडियो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये अपडेट जो है, मैंने इस शिक्षिका जो है पहले भी अपने चैनल पर इंटरव्यू लिया था, उसने बताया था कि दोस्त कि मैं काफ़ी परेशान हूँ जो है रीजनल सेंटर का चक्कर लगाकर। जब आज मैंने इसको इन्फॉर्मेशन दिया तो वो जो है अभी रिजल्ट को चेक किए, जो कि बिहार से बिलोंग करती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी रिजल्ट में अभी जो है इसका NC सुधर के आ गया और यहाँ पर पास लिखा हुआ रहा है। तो दोस्तों आप लोग भी जल्द से जल्द अपने रिजल्ट को एक बार जरूर ही चेक कर ले। NC भी जितने भी सबमिशन कर दिए हैं सक्सेसफुली कर दिए हैं, और वाकई में मतलब कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि आपका सच में 50% हो रहा है। आपको कैसे मतलब करना है कि मेरा 45% या 50% हो रहा है, तो जो आप इम्प्रूवमेंट कर दिए हैं और जो आपका इंटर का पहले मार्क्स आया है उसको आप जो है वहाँ से हटा दीजिए, और जो इंटर का
दोस्तों आप कैसे समझेंगे कि मेरा 50% हो रहा है या नहीं हो रहा है, सच में 50% हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों जो है आपका जो ट्वेल्थ में जिस सब्जेक्ट का आप इम्प्रूवमेंट दिए हैं इंटर में, तो उसको उस नंबर को आप जो है नहीं जोड़ेंगे। आपका जो नया इम्प्रूवमेंट दे के आया है उसको आप जोड़ेंगे और आप जांचेंगे कि आपका सही में जो आपकी कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, पीएच कैंडिडेट हैं, एसटी से हैं, एससी से हैं, 45% हो रहा है, या अगर आप जनरल से हैं तो 50% होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप नहीं होते हैं तो आपके रिजल्ट जो है अपडेट नहीं होगा और आपका एनसी कभी भी नहीं सुधरेगा अगर आपकी इस कैटेगरी से जो है 50% आना चाहिए। जनरल से हैं और जो है एससी एसटी ओबीसी पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको 45% आना चाहिए था। तो दोस्तों इस तरह का जो है अपडेट आ रही है एनसी को लेकर, आप चैनल पर बने रहे, जो भी अगला अपडेट आएगा एनसी को लेकर मैं अपने चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही लेटेस्ट आपको अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।